प्रिंसिपल की गोलियां मारकर हत्या करने वाले छात्र को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रितु छाबड़ा की गोलियां मारकर हत्या करने वाले 12वीं कक्षा के छात्र शिवांश को आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। मामला हरियाणा के यमुनानगर जिले की थापर कॉलोनी का था। 25 फरवरी को शिवांश को दोषी करार दिया गया था, जबकि आर्म्स एक्ट में उसके पिता रंजीत उर्फ संजय को सबूत न होने के कारण बरी कर दिया गया था। वहीं दोषी को सजा मिलने के बाद प्रिंसिपल के पति ने कहा कि आज कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे प्रिंसिपल की आत्मा को शांति मिलेगी। डिसीजन आया है, क्या आपको कुछ राहत मिली है? जिस प्रकार का ये बिल्कुल मिली है, सही फैसला किया कोर्ट ने, मैडम की आत्मा शांति मिलेगी, कुछ हद तक शांति मिलेगी। आप चाहते क्या थे वैसे इस मामले में? चाहते सर हम बेहतर इसको भी इसी तरह फांसी चढ़ाया जाए जैसे हादसे ने इतना टोटली मर्डर किया मैसेज का मेरे, लेकिन जो कोर्ट ने फैसला लिया हमें मंजूर है, हम उससे खुश हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो मेन अक्यूज था शिवांश, इसको मर्डर के लिए अंडर सेक्शन 302 लाइफ इम्प्रीजन, रिगरस इम्प्रीजनमेंट एंड विद फाइन ₹10,000, और केस को डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के पास जो विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन देने के लिए केस को रेफर किया गया है, और एज पर प्रोसीजर एंड लॉ डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी उनको कंपनसेशन देगी। जहां तक आज के फैसले का ताल्लुक है, इसमें फर्दर कोई अनाउंसमेंट कोई बनती या नहीं बनती, ये अभी सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद और उसको गो थ्रू करने के बाद हम देखेंगे कि क्या इस फैसले के खिलाफ हमें फर्दर एनहांसमेंट पनिशमेंट के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट में जाना है या नहीं। लेकिन जहां तक इस एक्यूज्ड के फादर रणजीत को बरी का ताल्लुक है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। उसके खिलाफ हम जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट में उसकी अपील दायर करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो मेन नेग्लिजेंसी है वो इस एक्यूज्ड के फादर की थी। अगर वो इस अपने लाइसेंसी वेपन को पूरी सावधानी से रखता, सेफ रखता, तो ये जो स्टूडेंट है, ये जो मुलजिम है, ना तो उसके रिवॉल्वर को उसकी गैर हाजिरी में वहाँ से लेके जाता और ना ही जाके किसी इनोसेंट प्रिंसिपल और टीचर का मर्डर करता। हमने कोर्ट के समक्ष इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के लिए भी आर्गू किया है, और हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर किसी कारणवश ये मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की कैटेगरी में नहीं फॉल करता तो तब भी इसको टिल नेचुरल डेथ ऑल लाइफ इसको जो है जेल में रखने के आदेश फरमाए जाए। क्योंकि जिस दिन इस स्टूडेंट ने, इस मुलजिम ने इस प्रिंसिपल का मर्डर किया है, उस टाइम इसकी एज 18 साल से थोड़े दिन ऊपर थी, और जहां तक इसके फादर के अपराध का ताल्लुक है, इसके फादर के ऊपर जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, इसके फादर के ऊपर 29B आर्म्स एक्ट का केस बनता था। 29B आर्म्स एक्ट में जो मैक्सिमम सजा है वो 3 ईयर है, और जो कोएक्यूज था जिसको दी देन लंडन एडिशनल सेशन जज ने बरी कर दिया, और वो इस मुलजिम का फादर अप्रोक्सीमेटली 6-7 महीने जेल में रहा है, और हमारी ये कोशिश है कि इसको कम से कम जितनी आर्म्स एक्ट के अंदर सजा थी उतनी इसको मिलनी चाहिए थी। दौरान इसके अंदर 16 विटनेसेस आए हैं, इसमें कोई होस्टाइल भी हुई इसके अंदर जो एक बड़ा अच्छा विटनेस था जो उसी स्कूल का चौकीदार था शमशेर सिंह, उसने बड़ी अच्छी एविडेंस दी है अपनी, और एक स्टार विटनेस था उसने केस को सपोर्ट नहीं किया, बट फिर भी हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस ऐसी आ गई जिसके बेस पे हम इसको सजा दिलवाने में कामयाब रहे हैं।